हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का पल पल रियल ब्लॉग में। आज फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर मैं दिखाने वाली हूँ कि सोने और चांदी की जो चमक को हमें बरकरार रखना होता है तो हम कैसे रख सकते हैं, जो वे न्यू जैसे बने रहें, उनका पॉलिश ना उतरे, गंदा ना हो, काला ना हो और भद्दा भद्दा ना लगे, क्योंकि चांदी भी अक्सर काली हो जाती है और पीली पीली सी दिखाई देने लगती है तो बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। और हम सब करवा चौथ पर बिछिया खरीदते रहते हैं, जमा होते जाते हैं, साल भर जमा करते रहते हैं हम लोग, तो ये फिर रखे रखे ऐसे बेकार हो जाते हैं, हम इधर उधर रख देते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि सोने और चांदी की चमक बरकरार बनाए रखने के लिए हम कुछ घरेलू टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जिससे सोने चांदी में चमक बनी रहती है। तो वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है सूखा सिंदूर। सूखा सिंदूर मैंने इसलिए लिया है, यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस सिंदूर में एक तो सिंदूर शुद्ध होता है और इसमें एक ऐसी ताकत होती है, यानी कि एक ऐसी क्षमता होती है जो ये हमारे चीज़ जो होती हैं सोने की उनको एकदम से क्लीन रखता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपको सिंदूर ले लेना है, सूखा सिंदूर आप थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। तो मैं दिखा रही थी यहाँ पर ये गोल्ड की चैन जो होती है हम इसमें अच्छे से डिप करके रख देते हैं सूखे सिंदूर में, इससे चैन की यानी कि चमक बरकरार रहती है। थोड़ा ज़्यादा सिंदूर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको फिर बाद में इसकी पुड़िया बनाकर रख देनी है। और हमारे यहाँ पर तो ये भी कहते हैं कि अगर सोना साफ़ करना हो तो सिंदूर से ही करना चाहिए, एकदम साफ़ हो जाता है और उसमें कोई ज़्यादा मतलब के डिज़ाइन में वो नहीं होती हैं, जो लकीरा वगैरह क्रैच हो जाते हैं, क्रैक से हो जाते हैं, वो सब नहीं आती है और वे उनकी घड़ावट बनावट हमेशा साफ़ सुथरी बनी रहती है। तो यहाँ पर मैंने इसे एक डिब्बे में पैक करके रख दिया है, चाहे आप पर्स में रख सकते हो, जो भी आपके पास हो। इसे मैंने पुड़िया में बंद करके एक डिब्बे में पैक कर दिया है। अब बारी आती है चांदी के बिछिए की, या चांदी की कोई भी चीज़ हो उसे आप कैसे सेफ रख सकते हैं यानी कि घर में। तो यहाँ पर मैंने बिछिए ले लिए हैं, यहाँ पर इसमें मैं डाल रही हूँ ये पाउडर। ये पाउडर वही है जो घमौरी वगैरह निकलती हैं या स्किन पर लगाते हैं गर्मियों में, वही पाउडर है। आप स्किन पर लगाने वाला कोई सा पाउडर यूज कर सकते हैं, चाहे पॉन्ड से लें चाहे नाइसिल, कोई सा भी हो सब चलेगा। तो यहाँ पर इन बिछुओं के अंदर मैं ये पाउडर डाल के रख रही हूँ और इसमें मैं अच्छे से मिला दूँगी बिछुओं के साथ इसे। ये देखिएगा, आपको फिंगर पर लगा के दिखा रही हूँ कि जो हम स्किन पर लगाते हैं पाउडर वही पाउडर है ये। इसकी भी अब हमें पुड़िया बना के तैयार कर लेनी है। और हाँ फ्रेंड, आपको सोना और चांदी कैसे रखना है वो सब भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी पुड़िया बना ली है और इसे भी मैं एक अलग बटुए में रख देती हूँ। अब आप सोचोगे कि चाहे ये चीज़ें दोनों एक ही जगह रख सकती थी एक ही पर्स में, लेकिन हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का कहना माना जाता है कि कभी भी सोना और चांदी को एक साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, वो शुभ नहीं होता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।